तो कुछ रिजल्ट आ रहा है 89 किलोमीटर्स एंड 89 किलोमीटर्स डिवाइड बाय 9। तो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसे आप लोग देख रहे हो अपने ओलिविया को यानी कि डोमिनार को 15,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड 15,000 किलोमीटर्स कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा कि चलो एक माइलेज टेस्ट कर लेते हैं कि माइलेज कम हुआ है, बड़ा हुआ है या सेम ही है। सो ये वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपने डोमिनार का माइलेज टेस्ट। वैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो अभी लॉकडाउन के बाद सब चीज़ खुला है, उसमें कुछ इसी तरीके का ट्रैफिक है। फ़िलहाल तो यहाँ पे बहुत कम है क्योंकि दो दिन से ट्रेन चालू हो गया मुंबई के अंदर, बट इसके पहले बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। एंड आप लोग अगर मेरा रिटर्न आने वाला जर्नी देखोगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अब देखते हैं माइलेज कितना मिलता है, कम है, बड़ा है, क्या चीज़ है। सो जैसे ऑलवेज़ ये FI का बाइक है, पहले हम लोग ये करेंगे कि जहाँ से मैं पेट्रोल पंप भरवाता हूँ ऑफिस में, वहाँ पे जाने के बाद हम लोग अपना टैंक फुल करेंगे एंड फिर अपना जो मीटर है वो रीसेट कर लेंगे, जो भी किलोमीटर्स हुआ है वो नोट डाउन कर लेंगे एंड फिर राइड करेंगे कुछ 50-100 किलोमीटर तक। फिर इसके बाद देखेंगे माइलेज कितना मिला है फिर से पेट्रोल ऐड करने के बाद। तो भी जैसे आप लोग देख रहे हो ऐसा ही ट्रैफिक है, कभी कभी तो इससे ज़्यादा वर्स ट्रैफिक होता है, आपका बाइक एक जगह पे ही खड़ा रहता है। मैं तो इंजन बंद कर देता हूँ क्योंकि अननेसेसरी इंजन को हॉट करके भी मतलब नहीं पड़ता है। तो सब जगह पे रास्ते का काम चालू है, अचानक से गवर्नमेंट ने सब चीज़ें चालू कर दी है जिसके वजह से आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है एंड व्हीकल का सेलिंग बढ़ गया है क्योंकि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत ही कम अलाउड है, बहुत ही कम, और सेफ्टी रूल्स के हिसाब से लोग अब प्रेफर कर रहे हैं खुद का पर्सनल व्हीकल। तो बाइक्स कार्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं रास्ते पे। सो एज यू कैन सी हम लोग पहुंच चुके हैं साकिनाका के सिग्नल पे एंड यहाँ तक आने के लिए 15,047 किलोमीटर्स हुआ है, ऑलमोस्ट पकड़ लो 20-22 किलोमीटर्स के आसपास जब लास्ट टाइम पे हमने घर से राइड करना स्टार्ट किया था। वो साकिनाका का पेट्रोल पंप है, वहाँ से हम लोग पेट्रोल ऐड कराएंगे, टैंक फुल करेंगे, ऑलरेडी टैंक हाफ है। फुल करने के बाद वही अपना 50-100 किलोमीटर चलाएँगे, फिर से टॉप अप करेंगे एंड फिर चेक करेंगे। फुल बस 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 तो पेट्रोल का प्राइस हुआ है कुछ 500 रुपये के आसपास, 490। ओडो को रिसेट कर लिया जाए, देखते हैं। वैसे भी बहुत सारे लोग ये चीज़ बोलते हैं कि डोमिनार का ओडो ऑलवेज कुछ ज़्यादा ही बताता है। आगे 28। हेलो गाइस एंड जैसे आज आप लोग यहाँ पे देख रहे हो हम हो चुके हैं 15,117 किलोमीटर्स एंड मैंने आई थिंक सो वीडियो बनाया था दो दिन पहले जब मैंने पेट्रोल ऐड किया था फुल टैंक एंड अभी आप लोग देख रहे हो पेट्रोल कम हुआ है यहाँ पर। तो आज हम लोग वही चीज़ करने वाले हैं, पहले जाने वाले हैं टू द पेट्रोल पम्प, वही सेम पेट्रोल पम्प, वही सेम पावर का पेट्रोल ऐड करेंगे एंड फिर डिवाइड करेंगे कि कितना किलोमीटर्स चला है एंड उसमें से कितना माइलेज अपने को मिला, कितना लीटर पेट्रोल यूज़ हुआ है, वो सब कैलकुलेशन करने के बाद। एंड जैसे आप लोग देख रहे हो यूजुअली अभी तो यही सिनेरियो है, यहाँ पे इस तरीके का ही ट्रैफिक रहता है, इवन इससे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। बट चीज़ ये है कि जैसे आप लोगों को पता ही होगा ये है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एंड ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे
आप लोग अभी देख रहे हो। शाम को आने के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाता है। सुबह सुबह मैं थोड़ा सा जल्दी निकलता हूँ तो वो सिचुएशन में थोड़ा सा कम ट्रैफिक रहता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइलेज अच्छा मिलने का चांसेस है। एंड ये हाईवे पकड़ लो करीब करीब 10 किलोमीटर्स के आसपास का है। एंड जब अपना ये कुपरी वाला ब्रिज बन जाएगा तो शायद से जाने के लिए कम ट्रैफिक हो सकता है, बट स्टिल डिपेंड्स कि आगे क्या होता है। सो लेट्स सी। पावर पावर फुल फुल पर चलो। बस बस 3.32। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुक के देखते हैं कि कितना हुआ है। एक्चुअली इसके हिसाब से हुआ है कुछ 89.2 किलोमीटर्स एंड इसके हिसाब से माइलेज बता रहा है 29 KMPR। एंड सेम हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना माइलेज हमको भी मिला है, ये चीज़ सही है कि नहीं वो भी पता चल जाएगा। सो अगर 90 किलोमीटर्स के हिसाब से डिवाइड किया जाए 3.32 लीटर्स को, सो हम लोगों को यहाँ पे बता रहा है 89 किलोमीटर्स। एंड 89 किलोमीटर्स डिवाइड बाय अगर हम लोग करें समवेयर अराउंड अपना 3.32 लीटर्स, तो कुछ 27 KMPL के आसपास का माइलेज आ रहा है, जबकि कि यहाँ पे बता रहा है 29 KMPL। सो यस, मतलब ये चीज़ है कि 27 ये 2 किलोमीटर्स का माइलेज ज़्यादा ही बता रहा है। एंड चीज़ ये है कि हम लोगों को 27 KMPL का माइलेज मिल रहा है इन द सिटी। सो दैट्स इट, 15,000 किलोमीटर्स हो चुके हैं, यहाँ पर भी आ रहा है 89 किलोमीटर्स हम लोग का बाइक चल चुका है। सिटी ट्रैफिक में अपने को मिल रहा है 27 KMPL के आसपास का माइलेज। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक इट, नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।